हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन केसेस में हम पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, तो देखो सिंपल फंडा है कि अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर और एरिया किसके बेस पे हमें करना है, ये दोनों 2D में लगते हैं। ओके, ये हमारा 3D में भी लग जाता है, बट मेनली अगर पेरीमीटर जो होता है वो 2D में लगेगा और एरिया को भी हम बोलते हैं, और ये जो दोनों होते हैं इसमें 3D में लगते हैं। ओके, यानी कि जो एरिया है वो 3D में भी लग सकता है आपका और 2D में भी। तो देखो पेरीमीटर हम उस केस में निकालते हैं, मान लो कोई भी चीज़ रखी उसकी सराउंड। ओके, लाइक हम दे रखें एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये कितनी लंबी है इसके बारे में अगर बोलें हम, तो उस केस में क्या करते हैं, हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ओके, अगर बात करें एरिया की, एरिया होता है उसके अंदर फिल करना कोई भी चीज़। ओके, लाइक कोई गार्डन है इस टाइप का और हमें उसमें घास लगानी है, अभी कुछ भी करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पेरीमीटर निकालते हैं और एरिया निकालते हैं इसके इसमें अगर कोई गार्डन वगैरह। वॉल्यूम कब निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं 3D में, मान लो ये हमें कोई क्यूबॉइड, हिंदी में बोलें तो घनाभ। ओके, ये दिया है, अब मैं बोलूँ इसके अंदर मुझे पानी फिल करना है या कोई चीज़ फिल करनी है। ओके, फिल करना है मतलब उसको भरना है, ये माइंड में रखना है। अब भर किस चीज़ से रहा है वो कुछ भी हो सकता है, उसके इसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम। ओके, आई होप वीडियो